मसल बिल्डिंग के लिए हम क्या नहीं करते, अच्छा खाना, हार्ड एक्सरसाइज, महंगे सप्लीमेंट्स, लेकिन कौन सा वो एक काम है जो सबसे आसान होने के बावजूद भी हम में से ज्यादातर लोग ठीक से नहीं करते। कमिंग अप, मसल बिल्ड करना एंड एक अच्छी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। काफ़ी सारे काम आपको सही से करने पड़ते हैं, उनमें से ही एक काम है और रादर सबसे आसान काम है मेरे हिसाब से, अच्छी नींद। जब हम बात करते हैं अच्छी हेल्थ की, तो अच्छी स्लीप का नाम आम तौर पे लोग एंड में लेते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो और उसे मेंटेन करना चाहते हो, तो स्लीप की इम्पॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अच्छी नींद आपके लिए क्यों ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें आपकी नींद की दुश्मन है, एंड कैसे आप अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज कर सकते हो मसल बिल्डिंग के लिए एंड ओवरऑल अच्छी हेल्थ के लिए। स्लीप, बहुत सारे फायदे हैं इसके। आपकी नींद आपकी याददाश्त को पक्का करती है, आपकी विल पावर को बढ़ाती है, आपकी भूख को कंट्रोल करती है, आपके ब्रेन न्यूरॉन्स की साफ सफाई करती है, आपके मसल टिश्यूज को मरम्मत करती है। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का ये वाला हिस्सा सामने वाला, इसका काम है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, इस पे बहुत ही नेगेटिव असर होता है। अगर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही से काम नहीं कर रहा, तो आपकी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल पे इसका बहुत बुरा असर होगा। स्पेशली मेरे जैसे लोग जो हर टाइम ऐसी चीजों से घिरे रहते हैं, मेरी तो विल पावर गई तेल लेने। इसलिए अच्छी डाइट को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने के लिए आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सही से काम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आप जिम में जाके मेहनत करते हो, उसका फल आपको सोते टाइम मिलता है। सोते टाइम आपके मसल टिश्यूज जो हैं वो रिपेयर होते हैं और पहले से साइज में थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। इसलिए अच्छी मसल रिकवरी के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कौन सी चीजें आपकी नींद की दुश्मन है एंड किन चीजों से आपने दूर रहना है। नंबर वन ऑन द लिस्ट इज हाई कार्बोहाइड्रेट हाई शुगर डाइट। स्टडीज हैव शोन कि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट हाई शुगर डाइट खाते हो, तो आपकी स्लीप क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती, आप लेस टाइम स्लो वेव स्लीप में गुजारते हो। स्लो वेव स्लीप को समझने के लिए आपको मैं ब्रीफली स्लीप साइकिल्स के बारे में बता देता हूँ। मेनली हमारी नींद दो तरह की होती है, रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपकी आंखों की पुतलियां ऐसे हिलती रहती हैं और आपको बहुत विविड सपने आते हैं। जितने भी सपने आप याद रखते हो सुबह तक, वो नॉर्मली आपको रेम स्लीप में आए होते हैं, और ये स्लीप हमारी टोटल स्लीप का ऑलमोस्ट 20% हिस्सा होती है। इसके ऑपोजिट नॉन रेम स्लीप में 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। इसमें से स्टेज 3 और 4 सबसे डीपेस्ट स्लीप होती है, और इसको हम बोलते हैं स्लो वेव स्लीप। इस स्टेज का सबसे ज्यादा फायदा है हमारी बॉडी को। लेकिन अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट हाई शुगर डाइट लेते हो, तो आप नींद के इस स्टेज में बहुत कम टाइम रहते हो, जिसका आपको नुकसान है। तो हाई शुगर डाइट से दूर रहो। नंबर 2, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम के हमारे शरीर में बहुत सारे काम है, उनमें से एक है आपको अच्छी नींद सुलाना। अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो, तो आपकी स्लीप क्वालिटी सफर करेगी। इसलिए मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि हरी सब्जियां, नट्स एंड सीड्स एंड मीट आप इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 3, योर स्मार्टफोन। आपका स्मार्टफोन आपकी नींद की ऐसी की तैसी कर देता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें एंडलेस एंटरटेनमेंट आपके लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये जितनी भी स्क्रीन्स हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर टीवी, इनमें से बहुत ही तेज ब्लू लाइट निकलती है, जो कि हमारे दिमाग को ट्रिक करती है कि अभी दिन का टाइम है, अभी रात नहीं हुई, और हमारी बॉडी अच्छी नींद के लिए जरूरी हार्मोन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले स्विच ऑफ योर फोन। नंबर 4, कैफीन। आपकी चाय कॉफी में जो कैफीन है, वो हमें डीप स्लीप में जाने से रोकती है। कैफीन का असर बॉडी में 5-6 घंटे तक रह सकता है, इसलिए सोने से कम 5 घंटे पहले तक नो चाय नो कॉफी। नंबर 5, अल्कोहल। अल्कोहल से आपको नींद आती है, आप जल्दी सोते जरूर हो, लेकिन अल्कोहल आपको डीप स्लीप में नहीं जाने देती, जिसकी हमें जरूरत है। अल्कोहल के वैसे बॉडी पे और बहुत सारे नुकसान हैं, जिस पे एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि अच्छी नींद के लिए नो अल्कोहल। नंबर 6, रूम डार्कनेस एंड टेम्परेचर। सोते टाइम अगर आपके रूम में थोड़ी सी भी लाइट रहेगी, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी ही होगी। इससे आपके ब्रेन फंक्शन और आपकी वर्किंग मेमोरी पे नेगेटिव असर होता है। तो कीप योर रूम एज डार्क एज पॉसिबल। ऑल्सो स्टडीज हैव शोन के ठंडे टेम्परेचर में हमें ज्यादा अच्छी नींद आती है। नंबर 7, सनलाइट इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह उठ के सनलाइट नहीं लेते, तो इससे आपका नेचुरल स्लीप वेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए सुबह उठने के 20 मिनट के अंदर अंदर कुछ मिनट्स के लिए हैव सम सन एक्सपोजर। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारी हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग को बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बनाती हैं एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बिगाड़ती भी हैं। हमें यह समझना है कि इन छोटी छोटी गलतियों को हमने अपने अगेंस्ट स्टैक नहीं होने देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और आपको नई नई ऑसम वीडियोज़। मिलता हूँ अगली वीडियो में।